नमस्कार एमबी सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थीगण। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक संपूर्ण जानकारी ले ली थी, इसका अफर्मेटिव नेगेटिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए। तो आज हम लोग एक नए ट्रांसलेशन के साथ चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये थोड़ा सा लंबा है इसका, तो इसमें एग्जांपल के थ्रू हम लोग मोस्टली समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले इसकी डिफिनेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसके लिए ट्रिक जो बताई थी मैंने कि था थी थे शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, और परफेक्ट है इसका मतलब चुका चुकी चुके शब्द आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि चुका था चुकी थी चुके थे, या लिया था ली थी लिए थे, ये वाक्य आते हैं मुख्य रूप से। या था ये थी ये थे, जैसे या है कह देता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, या था ये थे तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें पहचान कैसे हम लोग करेंगे इसकी, कि ये टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए तो अब हम लोग इसका बनाने का नियम देखते हैं, अनुवाद के नियम। तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सदैव हैड ही प्रयोग होती है, तो हैड यहाँ पे प्रयोग होगा, और चाहे वो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें हैड ही एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैड है, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे जो भी करता होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी। और एक चीज़ मैंने आपको बार बार बताई थी वीडियो में कि जब भी चुका शब्द देखेंगे आप तो समझ लेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा लगेगी। जैसे मैंने कहा था रहा रही रहे शब्द देखेंगे, अब उसके पीछे है लिखा है, था लिखा है कि गा घी लिखा है, तो उसकी चिंता ही छोड़ दीजिए, उसकी चिंता बिल्कुल आप मत करिए। बस ये चिंता करिए कि इसमें जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है हमको। वैसे ही चुका शब्द आप लोग देखें, देख लीजिए, अगर अंत में चुका दिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना सोचे समझे लगा देनी है। रहा रही देखा आपने, तुरंत जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है बिना सोचे समझे। ये सब इंग्लिश के हार्ड रूल हैं कि ये होना ही होना है, कि अगर जो है हमारा चुका शब्द दिया है चुका चुकी चुके, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट की बात कर रहा है। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर, इसका कोई मैटर नहीं है, उस वो हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से बदल जाएगी, लेकिन वर्ब ये हमेशा सेम रहेगी। तो ये याद रखिएगा, वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी। जैसे कंटिन्यूअस में वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में रहती है, वैसे ही परफेक्ट टेंस अगर हम लोग ले के चलते हैं तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। तो इसलिए इस बात को आप लोग बेहद सावधानी पूर्वक समझिएगा कि अगर परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके ट्रांसलेशन पर, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे यहाँ पर होगा। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन लेके चलते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला ट्रांसलेशन आपके बीच दिया जा रहा है, राम किताब लेने बाजार जा चुका था। ये आपका ट्रांसलेशन है, कैसे आप लोग करेंगे। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, राम, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, राम। चुका था चुकी थी चुके थे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड। इसमें सोचने वाली बात इसलिए नहीं है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक वचन है बहुवचन करता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हैड ही लगेगा इसमें चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है आपकी। अब यहाँ पे जाना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, गो, और गो का यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता है गान, तो राम हैड गान। अब कहाँ भाई गया, तो बाजार, तो मार्केट। अब बात आती है क्यों गया, तो किताब लेने,
ये चीज़ मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि जब जिस वर्ब में ना नी ने शब्द लगा रहता है तो उसको ऐड करते समय हम लोग जिसमें ना ने नी लगा है उसमें टू लगा करके एज इट इज़ उसको जोड़ देते हैं। तो जैसे लेना का अंग्रेजी होता है टेक, तो टेक में हम टू लगा देंगे तो टू टेक हो जाएगा, टू टेक बुक, तो इसके आगे हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे टू लगा कर जोड़ना बेहद ज़रूरी है, अगर टू आप नहीं लगाएंगे तो पूरा ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको एक केस पढ़ा जाएगा इन्फिनिटिव और जिरंड का केस, ठीक है। तो वहाँ पर इन्फिनिटिव के केस में आपको टू लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर टू लगा करके ही इसको ऐड करेंगे, टू टेक बुक। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप ट्रांसलेशन को मोस्टली सही कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। अब यहाँ पे यह प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में टाइप वन है जिसमें क्या से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। अगर क्या से स्टार्ट होता है तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते समय हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसके लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब बताइए इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी हैड, चूँकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, अब एक वचन है एक बहुवचन है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्ता के ऊपर यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्री है पूरी तरह से, एक ही हेल्पिंग वर्ब है और ये कर्ता के यानी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो सब्जेक्ट किसी एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, हमेशा इसमें हैड ही लगेगा। तो हैड के बाद क्या लिखेंगे, यू, हैड के बाद यू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना का अंग्रेजी सी सा सीन होती है, सीन, तो हैड यू सीन। अब क्या देखेंगे भाई, तो ताज, हैड यू सीन द ताज। अब यहाँ पे कल यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी स्टरडे, और ये सब हमेशा अंत में लिखे जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें एक चीज और यहां पे जुड़ जाती है, ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा कुछ और पार्ट अपने साथ लेके चलता है। और जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो जो इसमें ट्रांसलेशन जुड़ के आते हैं, तो इसमें दो भूतकाल की दो घटनाओं को आपस में जोड़ करके यहाँ पे देखा जाता है। इसका मतलब है कि दो घटनाएं घटित हुई हैं और उन दोनों को आपस में, उन दोनों घटनाओं को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसमें इस तरीके से बातें भी देखने को मिलती हैं। तो अब वो बातें कैसे ट्रांसलेशन के तौर पर हम लोग सॉल्व करेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगला हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो इसी पर आधारित होगा, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। अब इसमें दो घटनाओं को जोड़ा गया है, पास्ट में व्यतीत दो घटनाओं को जोड़ा गया है। पहला भाई, मैं राम के आने से पहले माने जब तक राम नहीं आया था तब तक उसके पहले ही मैं स्कूल पहुंच चुका था। इसका मतलब कहीं राम को आना था
तो राम नहीं पहुंचा है अभी, लेकिन वो शख्स जो है या मैं जो है स्कूल पहुंच चुका हूं, यानी दो घटनाओं को जोड़ दिया इसने। तो सबसे पहले जो कार्य संपन्न हो रहा है, ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं स्कूल जा चुका था, तो पहले कौन सी घटना, अब यहाँ पे आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कौन सी घटना पहले घटित हुई है। पहले राम आया है कि मैं स्कूल गया हूँ, पहले ये सोचिए। तो भाई राम के आने से पहले ही मैं स्कूल पहुँच चुका था, यानी मैं जो है ये काम पहले हुआ है कि मैं स्कूल पहुँच चुका था, ये काम पहले हुआ है। तो जब ये काम पहले हुआ है तो हम लोग इसकी इंग्लिश को पहले लिखेंगे। तो जो काम पहले होगा उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, और जो काम बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे हम लोग। तो पहली घटना को, अब यहीं से इम्पोर्टेंट, पहली घटना जो कि पहले हुई घटित हुई है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो घटना दूसरी वाली होती है उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखते हैं। फिर से एक बार अच्छे से सुन लीजिए, जो घटना पहले घटित होगी उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो घटना बाद में घटित हुई है उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट, किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखेंगे। इस बात को आप लोग नोटिस करिएगा कि पहला किसमें लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग लिखेंगे उसी घटना को जो पहले घटित हुई है। तो पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मैं स्कूल जा चुका था, पहले ये घटना आ रही है, उसके बाद ये घटना आ रही है दूसरी वाली। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग इसको लिखेंगे और दूसरे नंबर पर हम लोग इस घटना को लिखेंगे। पहली पोजीशन इसकी है और दूसरी पोजीशन इसकी है। तो अब इसका आसानी से लिख सकते हैं कि मैं स्कूल जा चुका था, तो यानी हो जाएगा आई। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो हैड, आई हैड। अब यहाँ पे जा चुका था माने गान, अब कहाँ जा चुका था भाई, तो स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले, अब पहले बच रहा है तो इसकी इंग्लिश यहाँ पे लिखी जाएगी बिफोर। अब राम के आने से पहले, तो ये किस में जाएगा, अभी मैंने बताया था कि ये पहला वाला किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा वाला है वो कहाँ जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता को। तो सबसे पहले कर्ता क्या है इसका, कर्ता है राम, तो राम लिखेंगे। और राम के आने, तो आना का अंग्रेजी क्या होती है, कम, तो कम का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ये चीज़ याद रखना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस अगर है तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, अगर टेंस आपका अफर्मेटिव है तो यहाँ पे अफर्मेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा केम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको और हम लोग ट्रांसलेशन करके इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको और कैसे लिखेंगे, दूसरा ट्रांसलेशन हम लोग लेते हैं। देखने में लेंदी बड़े लगते हैं लेकिन वो होते हैं वाकई में छोटे। तो अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि तुम्हारे घर आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब इसको आप लोग कैसे साफ करेंगे, तो अब देखिए तुम्हारे घर आने से पहले, माने जब तुम घर नहीं पहुँचे हो उसके पहले ही मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया हुआ है।
तो इसका मतलब पहली घटना पहले कौन समाप्त हुआ है, पहले कार्य समाप्त हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, किस में लिखेंगे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से ये आपका पार्ट वन बन जाएगा और यहाँ से जो ये वाला पोर्शन बचा है ये पार्ट टू बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे। तो ये किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, और ये किस में लिखा जाएगा, तो पास्ट इनडिफिनिट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग बेहद ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो इसको आप करने का प्रयास करिए, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, अब यहाँ पे हैड, अब समाप्त करना मतलब कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, अब आई के साथ लगता है माई, माई वर्क बिफोर, अब यहाँ पे तुम्हारे घर आने से पहले, तो तुम्हारे की अंग्रेजी क्या होती है, यू, तुम्हारे का अंग्रेजी, अब तुम्हारा का अंग्रेजी ये मत बोल देना सर योर होती है इसकी अंग्रेजी, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे घर, यानी तुम्हारा एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे इसकी इंग्लिश जो होगी वह होगी यू। अगर यहीं पे तुम्हारा घर जैसे होता तो तब वहाँ पे इंग्लिश हो जाती योर होम, तुम्हारा स्कूल तो योर स्कूल, तुम्हारा कलम योर पेन, तो इस टाइप से। लेकिन अगर यह सिंगल लिखा हुआ है तो यहाँ पे यह योर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ट्रांसलेशन किससे स्टार्ट होगा, यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो कर्ता को लिखेंगे, तो योर कर्ता नहीं है, योर के साथ, हाँ योर के साथ अगर कुछ शब्द और आता जैसे योर पेन, तो वहाँ पे मिलके एक कर्ता के रूप में वो कार्य कर सकते थे। लेकिन चूँकि यहाँ पर तुम्हारे के बाद कुछ नहीं दिया है, तुम्हारे घर आने से पहले, तो अब यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर क्या है, कर्ता की तरह कार्य करेगा, यह क्रिया बन जाएगा और ये वाला कर्म बन जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना है बिफोर यू। अब आना का अंग्रेजी क्या होती है, कम, तो कौन सा टेंस है ये, अब किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में, तो ये क्या बन जाएगा, केम हो जाएगा, बिफोर यू केम टू हाउस या होम। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, और फिर लिखने का अपने मन से भी आप लोग प्रयास करिए कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए अगला ट्रांसलेशन चलते हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आएंगे, तो उनको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे इंट्रोगेटिव अब मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये ट्रांसलेशन है आपका, वर्षा होने से पहले वे अपने स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुके थे, यह ट्रांसलेशन है। तो अब इसमें भी दो पार्ट्स में ये टूट जाएगा, यहां से पूरा एक पार्ट, वे अपने स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुके थे पार्ट वन, इधर वाला वर्षा होने से ये पार्ट टू। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट वन लिखेंगे, जो कि किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरा वाला है ये जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो जो पास्ट परफेक्ट में जा रहा है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो वो क्या है, वे अब यहाँ इसके पहले भूल जाइए आप लोग, पहले हम लोगों को इसको लिखना है, तो इसी के बारे में ही केवल सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले वे अपने स्कूल क्यों नहीं पहुँच चुके थे, तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंग्लिश लिखते हैं।
तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाई से स्टार्ट होगा, व्हाई। अब यहाँ पे बताइए तो व्हाई के बाद क्या लिखा जाएगा, तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्नवाचक के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होती है और जो कि हैड इसमें लगेगा। हैड के बाद अब बताइए, व्हाई हैड, अब इसके तुरंत बाद दे लिखा जाएगा, दे। अब यहाँ पे नॉट, ठीक, कर्ता के ठीक बाद नॉट, सहायक क्रिया यानी प्रश्नवाचक के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट, ये चीज़ें याद रखिएगा। पहुंच चुके थे माने रीच्ड, वाई हैड दे नॉट रीच्ड। अब यहाँ पे अपने स्कूल, तो वे के साथ क्या आता है, वे के साथ अपने के लिए क्या आता है, दे के साथ दियर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दियर। माई यहाँ पे मत कर देना तो उन्हें तो गलत हो जाएगा, तो अपने के लिए वे के लिए क्या आता है, दियर, टी एच ई आई आर, दियर स्कूल। अब यहाँ पे अब बिफोर लगाइए और इसके बाद रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको लिखिए, वहीं पे दिक्कत यहाँ पे आ सकती है कि बिफोर के बाद क्या लिखा जाएगा, बिफोर। अब बताइए कि वर्षा होने से, अब इसमें हमको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हमको लिखना है इसका वर्ब और किस टेंस में लिखना है, तो टेंस याद रखिएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, किस में लिखना है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, अब वर्षा होने में, वर्षा होना मैंने बताया था, वर्षा होना जो है वह एक वर्ब होती है, वर्ब के रूप में लिखा जाएगा जिसकी इंग्लिश रेन होती है, लेकिन अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन जो लोग प्रीवियस वीडियोज़ अगर हमारे देख रहे होंगे तो वो लोग तुरंत इसको समझ सकते हैं कि इसमें कर्ता कौन बनेगा या इसमें कर्ता क्या लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने बहुत बार बताया है कि जब समय, वर्षा, ऋतु, दिन, तारीख, ये सब बातें दी जाती हैं तो वहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता के रूप में क्या लिखा जाएगा, इट लिखा जाएगा, तो बिफोर क्या हो जाएगा, इट। और चूंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस वर्षा होना का अंग्रेजी होती है रेन, और चूंकि इट जो इट के, इट तो कर्ता हो गया, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे वो भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखी जाएगी, तो रेन का सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा, तो रेन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रेन्ड, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, और हम लोग कुछ ट्रांसलेशन लिखते हैं, लिखने का प्रयास भी करते हैं, और आप लोग इसको भी लिखिए, अच्छे ट्रांसलेशन हम लोग कलेक्शन करके दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा ट्रांसलेशन अगर कर ले जाएंगे तो छोटे ट्रांसलेशन जो अगर आपको एग्ज़ाम में दिए जाते हैं तो वो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए इसी पे देते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वर्षा होने से पहले उसे कौन गाली नहीं दे चुका था, अच्छा ट्रांसलेशन है, नियम को समेटता हुआ अपने आप में, इसमें कुछ नियम भी हैं, एप्लीकेशन भी है, जैसे कौन आ गया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया कि कौन का भी साथ में रिवीजन होता रहेगा, अगर किसी टेंस में कौन शब्द आ जाता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कौन शब्द जो है उसको आप समझ सकें कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये पूरा बनेगा पार्ट वन, और पहले से जो लिखा है ये बनेगा पार्ट टू। पार्ट वन को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, उसे कौन गाली नहीं दे चुका था, सबसे पहले हम लोग इसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो अब बताइए कि इसमें कौन शब्द, मैं बार बार उल्लेख किया हूँ कि जब भी कौन शब्द आएगा तो वह सदैव एक वचनकर्ता के रूप में ही लिखा जाएगा, यानी वह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है।
तो कौन की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु। अब यहां पर कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, तो कौन के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड, हैड। अब चूंकि नहीं भी दिया हुआ है तो नॉट भी लिखेंगे आप, नॉट। अब गाली देना पूरा एक वाक्य है, ऐसा नहीं है देना का अलग है गाली अलग है, गाली देना कंप्लीट एक वाक्य है जिस जो कि वर्ब के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म से यूज करेंगे, तो एब्यूज्ड, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, यानी थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, हु हैड नॉट एब्यूज्ड। अब उसे की इंग्लिश क्या होती है, हिम, उसे की हिम, चूंकि ही उधर जाएगा तो हिम बन जाएगा, हिम इधर आता है तो ही बन जाता है। ये सब पैसिव वॉइस में और बेहतर ढंग से आप समझेंगे, चूंकि इन्हीं के ऊपर पूरा खेल रहता है, तो यहाँ पे उसे अंग्रेजी ही मत लिख दीजिएगा। अब उसे के कभी कभी उसे से ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे उसे की इंग्लिश ही भी होती है, लेकिन यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, अंत में लिख रहे हैं तो हिम होगा, शुरुआत में लिख रहे हैं तो ही होगा। ये चीज़ मोटी मोटा हिसाब आप लोग समझ लीजिए कि अगर ट्रांसलेशन उसे से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे कर्ता के रूप में वो आएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये अंत में लिख रहे हैं तो हिम यहाँ पे लिखा जाएगा। अंत में लिख रहे हैं कि नहीं ट्रांसलेशन के, तो अंत में लिख रहे हैं तो हिम लिखे लिखा जाएगा, ही कभी नहीं होगा, क्योंकि ही से कभी ट्रांसलेशन का अंत नहीं हो सकता है, ट्रांसलेशन का अंत होता है हिम से, ठीक है। जैसे दे के साथ लगता है देम, ठीक है, आई के साथ लगता है मी, तो माई यहाँ पे लास्ट में कभी नहीं लिखेंगे, आई भी कभी भूल के भी नहीं लिखेंगे, तो जब भी अंत में अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे मी लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अब यहाँ तक लिख लिया, हु हैड नॉट एब्यूज्ड हिम। अब वर्षा होने से तो बिफोर, अब मैंने बताया था वर्षा होना, फिर से वही बात, तो इट का प्रयोग हुआ, इट रेन, ठीक है। तो अब यहां पे आपको समझ में आ गया, तो अगला ट्रांसलेशन लिखते हैं हम लोग, और अच्छा ट्रांसलेशन, अब इसको लिखना है, सूर्य डूबने से पहले वह कौन सा गीत गा चुकी थी। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये पूरा मिल करके आपका बन जाता है वन पार्ट वन, और सूर्य डूबने से पहले ये वाला बन जाता है पार्ट टू। तो सबसे पहले पार्ट वन को हम किस में लिखते हैं, वो पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और पार्ट टू को जो लिखते हैं वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ये याद रखिएगा कि ये वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब वह कौन सा गीत, तो अब कौन सा गीत पूरा एक वाक्य है मिलके बन जाएगा, कौन सा गीत। अब इसकी इंग्लिश पूरी एक जैसी लिखी जाएगी, ये ट्रांसलेशन काफ़ी बार करा चुका कि कौन सा गीत, ये मिलके पूरा वाक्य हो जाएगा, एक कंप्लीट वाक्य एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे वाई लिखते हैं वैसे ये भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा विच सॉन्ग। अब यहाँ पे तुरंत हेड लगेगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सोचना भी नहीं है कि इसमें कौन सा एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि एक ही वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। विच सॉन्ग हैड, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद करता, तो करता यहाँ पे क्या है, ही, संग, सिंग, सैंग, संग, यानी थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, संग। विच सॉन्ग हैड ही संग। अब यहां पे बिफोर, सूर्य डूबने से, अब यहां पे सूर्य की इंग्लिश होती है सन, और यहां पर डूबना का अंग्रेजी होता है सेट, और सेट का सेकंड फॉर्म चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो सेट का सेकंड फॉर्म सेट ही होता है, सेट, 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 तो इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक होते हैं, तो सेट का सेकंड फॉर्म भी इसका सेट ही हो जाएगा, तो सेट, ठीक है। अब अगला लिखते हैं हम लोग,
अच्छे अच्छे ट्रांसलेशनों का ये कलेक्शन है, जिससे आपको कठिन से कठिन अगर ये टर्मिनोलॉजी आप समझ गए तो कोई भी ट्रांसलेशन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस घर पे निरंतर करते रहिए, अगर डाउट होता है तो उसको कमेंट करिए, पूछिए, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए अगर लिखता है, ये भी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप लोग सॉल्व भी करते रहिए, जिससे कि आपका डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर होता रहे। तो इसको हमने फिर से दो पार्ट्स में तोड़ दिया यहाँ पे। पहला पार्ट ये है कि कितने बच्चे कमरे में सो चुके थे और यहाँ पे मेरे घर जाने से पहले, तो ये पार्ट हो गया टू। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट वन को करते हैं, इसके बाद पार्ट टू को करते हैं। और पार्ट वन जो है हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पार्ट टू जो है लिखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इससे इसको लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले भाग को लिखेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे। तो कितने बच्चे कमरे में सो चुके थे, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। तो कितने बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मैनी चिल्ड्रन। तो हाउ मैनी भी होता है, हाउ मच भी होता है, जो चीज़ें काउंट आप कर सकते हैं तो वहाँ पे हाउ मैनी होता है, और जिन चीज़ों को यानी लिक्विड फॉर्म में रहती हैं तो वहाँ पे हाउ मच होता है। तो यहाँ पे बच्चे तो यहाँ पे काउंटिंग हो सकती है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन। हाउ मैनी चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, इसमें सोचना ही नहीं है। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैज स्लीप का थर्ड फॉर्म, स्लीप स्लेप्ट 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 इन द रूम। अब बिफोर यहां पे लगाएंगे, बिफोर मेरे घर जाने से पहले, तो ये किसमें लिखा जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर आई, अब यहाँ पे जब पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होगी, तो जाना, जाना मीन्स गो, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, बिफोर आई वेंट टू हाउस या होम। ठीक है, बिफोर आई वेंट टू हाउस या होम, तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, लेंदी भी है, तो इस पर आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जब इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी, अभी एक्सरसाइज पार्ट टू जब आएगा, तो ये पास्ट इंडिफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच जो भी ट्रांसलेशन है, इंपॉर्टेंट टाइप के जो भी ट्रांसलेशन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सब के बारे में कंप्लीट स्टडी हम लोग करवाएंगे। तो जो यहाँ पे भी कुछ और एक्सरसाइज हम नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आप लोग जो है इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।